तो गाइस बाला किला आए थे हम लोग, लेकिन बाला किला बंद है। पता नहीं कंस्ट्रक्शन की वजह से या किसी और रीजन से वहाँ नहीं जा सकते हम। सो अभी हमारे पास जो दूसरा टारगेट है वो है मूसी महारानी की छतरी। तो यहाँ से ये करीबन 1 से 2 किलोमीटर के बीच में ही है, तो मूसी महारानी की छतरी देखते हैं। बाकी अभी हमारे टारगेट में बाला किला था, लेकिन अब वहाँ जा ही नहीं सकते, तो अब क्या करें भाई। फिर कभी आएंगे घूमने के लिए बाला किला, क्योंकि अलवर तो नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी बाला किला बाद में देखेंगे, अब चलते हैं मूसी रानी की छतरी, फिर आगे की आगे देखेंगे, पहले मूसी रानी की छतरी चलते हैं। मूसी रानी की छतरी पहुंच गए हम लोग, लेकिन यहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है। आई थी यहाँ कलेक्ट्रेट वलेक्ट्रेट का ऑफिस है। बाला किला तो बंद था ही, उसके बाद भाई यहाँ आए। बाकी पुरातन है, देखो पूरा खंडर टाइप का हो गया अब तो, लेकिन बड़ा शानदार लग रहा है देखने में। तो वही राजस्थानी छवि है भाई इसमें, अभी भी वो तो है ही, हमेशा ऐतिहासिक धरोहर है हमारी। ये इतनी खूबसूरत बनी हुई है देखो पीछे से। अब ये एग्जैक्ट क्या है वो तो पता नहीं है, यही छतरी है क्या है आगे देखते हैं भाई, चलते हैं। सो गाइज आप मेरे पीछे देख सकते हो, हम पहुंच चुके हैं मूसी रानी की छतरी। इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है संगमरमर का बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर का, और नीचे वाला जो हिस्सा है लाल बलुआ पत्थर का है। मूसी रानी के पति का नाम था वक्तावर सिंह, महाराजा वक्तावर सिंह। जब वो उनकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद जो महारानी थी मूसी रानी, वो उनके साथ सती हो गई, और उनका प्रेम था जिसके कारण वो सती हुई। और उसके बाद में उनके प्रेम को देखते हुए उनके बेटे ने 1815 में महाराजा विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, और बहुत ही खूबसूरत है। अलवर शहर का नज़ारा यहाँ से दिखता ही है, और पीछे ऊपर आप देखोगे तो बाला किला है, वो अभी बंद है। बाकी यहाँ बगल में सागर भी है, उसको दिखाते हैं आपको। दोस्तों सीढ़ियों से होते हुए हम पहली मंजिल पर पहुंचे। जिन पत्थरों पर यह पूरा स्मारक टिका हुआ है, उन पत्थरों को बिना किसी अतिरिक्त सहायता के खड़ा किया गया है। सोचिए इतनी बड़ी इमारत सिर्फ पत्थरों के स्तंभों पर टिकी है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय वास्तुकला कितनी विकसित थी। इन स्तंभों को तराश कर इन पर बढ़िया कलाकृतियां बनाई गई हैं। प्रवेश द्वार पर बनी मेहराबें यहाँ आने वाले पर्यटकों को खूब लुभाती हैं। स्मारक के ऊपरी भाग में चबूतरे पर राजा रानी के पदचिन्ह बनाए गए हैं। स्थानीय लोगों के लिए ये एक पूजनीय स्थल है, लोग अपनी मन्नत लेकर यहाँ पर आते हैं। स्मारक की बनावट में विभिन्न प्रकार की कलाकारी के अलावा रामायण और भागवत पर आधारित दृश्य उत्कीर्ण हैं। परिसर में दी गई जानकारी के अनुसार छतरी के ऊपरी भाग में कृष्ण लीला के कुछ भाव और महाराजा बख्तावर सिंह का हाथी पर सवार चित्रण किया गया है। स्मारक के ऊपरी भाग की छतरी को रंग बिरंगे कलाकृतियों से सजाया गया है, जिसमें महाराज द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को दर्शाया गया है, चाहे वो भगवान की पूजा हो, घुड़सवारी या नृत्यशाला का दृश्य।
गाइस मूसी रानी की छतरी पे देखो क्या मिला है हमें, हिरन के बच्चे। हिरन है ये, बड़ा हिरन है, खाना खिलाया हमने इसको। हाँ, और ये हिरन के बच्चे। सो गाइस देख सकते हो सरोवर मूसी रानी की छतरी पे, बड़ा ही शानदार छतरियां ही छतरियां चारों तरफ और बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखो सामने महाराज जी बैठे हैं यहाँ पर। अब अपने पास खाने को नहीं है भाई, कुछ खाने को देने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पर, नहीं तो खाने को डाल के जाते इनको। सो गाइस मूसी रानी की छतरी के बगल में ही यहाँ पर म्यूजियम है, तो अब म्यूजियम देखने के लिए हम जा रहे हैं। 20 रुपये का टिकट है भाई एक बंदे का, तो ऊपर जाते हैं टिकट लेंगे एंड संग्रहालय देख के आते हैं।
इसके पीछे जस्ट मूसी रानी की छतरी है। और भाई ये थक चुके हैं दोनों, है भाई किशन लाल, किशन लाल थक गया, मैं ना था को भाई, वो कितने घुमा लियो और घूमेगा, 4:30 बज गए, अब कहाँ चले, सिली शेड चला, कितने बजे तक खुलेगी वो, 7 बजे तक, 7 बजे तक कन्फर्म है, 7 बजे तक सिली शेड खुला रहेगा गाइस, झीले नजारा लेंगे। और ये अलवर सिटी का देखो व्यू, यहाँ से पीछे पहाड़ियाँ, और ये दफ्तर, ये दफ्तर है, अंदर संग्रहालय इसके, चले चलो लेट्स गो।